हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुले, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखिए, अभी हमारे किन्नौर में जो है सर्दी की पहली बर्फ़ पड़ी है, और ये जो बर्फ़ पड़ी है ये 18 अक्टूबर की बर्फ़ है। तो अब की बार की बर्फ़ की वजह से खासकर हमारे अपर किन्नौर में सेब के पेड़ों को जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे सेब जो है इस टाइम ही पककर तैयार होता है, और अभी 2-3 दिन ही हुए थे सीज़न स्टार्ट हुए हुए। तो ये जो बर्फ़ पड़ी है इस वजह से सेबों की पेड़ों की टहनियाँ हैं वो टूट चुकी है। काफ़ी सारे पेड़ जो है जड़ समेत ही ज़मीन पर गिरे हुए हैं। तो ये देखिए किस तरह से बर्फ़ जो है पेड़ों पर पड़ी है, और पहले ही सेब की वजह से पेड़ काफ़ी भारी हो जाता है, पेड़ पर काफ़ी वेट आ जाता है, और ऊपर से देखिए ये बर्फ़ की वजह से टहनियाँ जो है बिल्कुल नीचे की तरफ को झुकी हुई है। तो भारी होने के कारण काफ़ी सारी टहनियाँ टूट चुकी है। तो इस वजह से गांव में लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि एक पेड़ में अच्छे से सेब आने में कम से कम 10-12 साल का समय लग जाता है, तो इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है हमारे गाँव में लोगों को, और हमारे अपर किन्नौर पूरे में सभी को नुकसान हुआ है। काफ़ी सारे पेड़ टूट चुके हैं। Yeah.